नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, आज 49 एमपी फिर हुए सस्पेंड, अब तक 141 सांसद निलंबित। संसद में स्मोक अटैक को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। मुरली मनोहर जोशी लालकृष्ण आडवाणी को दिया गया राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता, पहले की गई थी नहीं आने की अपील। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया था कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। बीजेपी की राह पर चली मायावती 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस सीट से उतारा जाए, इसको लेकर बीएसपी में मंथन चल रहा है। बिजनौर, कानपुर और अवध से लेकर पूर्वांचल तक की हाई प्रोफाइल सीटों पर विचार चल रहा है। नई संसद में नमोक्रेसी, विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पर कांग्रेस का तीखा हमला। संसद से लगातार विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि नमोक्रेसी के तहत अत्याचार हो रहा है। मुख्तार के बेटे उमर को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ को मिला कांग्रेस नेता का साथ। टीएमसी सांसद के वीडियो पर बोले, देश माफ नहीं करेगा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी संसद परिसर में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करते एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया फ्रस्ट्रेट, कहा 2024 में बुरी तरह हारेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में स्मोक अटैक के बाद से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड भी किया गया। मोदी जी पर असुर शक्ति सवार है, संसद निलंबन पर बोले विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी। बंगाल में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया में अलायंस में क्या होगा ये हाईकमान तय करेगा। जंग के बीच इसराइल जाएंगे हरियाणा के वर्कर, 10,000 लोगों को नौकरी, अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं, लाखों में सैलरी। इसराइल हमास युद्ध के बीच हजारों फिलिस्तीनियों को इसराइल से वापस भेज दिया। ये फिलिस्तीनी नागरिक इसराइल की कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रीढ़ माने जाते थे, अब हरियाणा सरकार उनकी जगह कामगार भेजेगी। पीएम मोदी ने अब्दुल फतेह अल सीसी को दी बधाई, तीसरी बार बने हैं मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र में हुए चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को 89.6% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस ने बधाई नेशनल अलायंस कमेटी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को मिली जगह। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल का भी नाम है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी जनता से किए वादे पूरे करने में लगे बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला। देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनकी वजह से गुर्जरों ने बीजेपी को खूब वोट किए। अब हार के बाद भी बैंसला देवली उनियारा में विकास कार्य करवा रहे हैं। कोर्टरूम में बंदूक लेकर घुसा युवक, जज से बोला पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, बचा लो। प्रतापगढ़ जिला कोर्ट में सोमवार को एक शख्स कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान पिस्टल लेकर जज के सामने पहुंच गया। यह देखते ही सभी लोग डर गए और पुलिस तुरंत हरकत में आई। फिर डराने लगा कोरोना, मुंबई में कल कोविड-19 के 13 नए मामले दर्ज, एक अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी ने जनता से की कांग्रेस को चंदा देने की अपील। राहुल गांधी ने लोगों से कांग्रेस के लिए चंदा देने की अपील की है। इसके लिए पार्टी ने एक पोर्टल भी बनाया। अब तक पार्टी ने महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा फंड जुटाया है।
मलेरिया से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 2 लाख घरों में दी दस्तक। 8 लाख की जांच, 843 पॉजिटिव मिले। नया संसद लोकतंत्र का कब्रिस्तान। 141 सदस्यों के संपेषण पर बोली सीएम सांसद हरसिमरत कौर। 141 सांसदों के निलंबित होने पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि उनके पास कोई शब्द नहीं, आरोपियों को पास देने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले की जांच करेगी एनआईए। आपको बता दें, गोगामेडी की हत्या मामले की जांच गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एनआईए को सौंप दी है। एनआईए को ये जांच इस कारण सौंपी गई है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि गोगामेडी के मर्डर में गैंगस्टर शामिल है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे ड्राइवर करते थे डीजल चोरी, साइड से उड़ाया 400 लीटर फ्यूल, 7 गिरफ्तार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण साइट से बड़ी मात्रा में डीजल चोरी करने का मामला पर्दाफाश हुआ है। चोरी के आरोप में 7 क्रेन ड्राइवर गिरफ्तार किए। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जनसे सरोकार।